ए, तुम कौन हो? जी मैं मेरठ हूँ। वो ये सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? कि मैं अंधा भी हूँ, बहरा भी हूँ, गूंगा भी हूँ। वो क्यों? जी आपको पता है कि रीजनल क्रिकेट शुरू हो चुकी है, इसलिए गूंगा बहरा बनना पड़ता है जी। कहाँ रह रहे हो आजकल मेरठ? जी मैं मैरियट और फाइव स्टार होटल्स में रह रहा हूँ। सुना है चेयरमैन PCBMC ज़का अशरफ ने साबिक खिलाड़ियों से मशवरा के लिए मीटिंग बुला ली है। अजी बुला तो ली है, मगर वो खिलाड़ियों से तो मीटिंग करते हैं, मगर मुझ मेरठ से मीटिंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब अहमद ताबी हाज़र है। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि ज़का अशरफ साहब ने वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त के असबाब जानने के लिए बड़े और लेजेंड खिलाड़ियों को बुला लिया है, मगर वो तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी जुगाड़ में होंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि सर मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं ही क्रिकेट को बहरान से निकाल सकता हूँ, आप फलां की छुट्टी करवा दें, फलां की छुट्टी करवा दें। मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव मशवरा कोई भी नहीं देगा। मेरी ख्वाहिश थी कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो बजाय सीनियर खिलाड़ियों के मेरठ से मुलाकात करते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ PSL में कुछ थोड़ा सा करो और पाकिस्तानी टीम में चले जाओ। मोहम्मद हारिस पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या वो साउथ शकील से बेहतर है? साउथ शकील को इसलिए नहीं खिलाते कि कहीं ये अपनी जगह पक्की ना कर जाए और किसी एक खिलाड़ी की पक्की पक्की छुट्टी ना हो जाए। हालांकि बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कहते हैं कि अगर बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग तकनीक किसी खिलाड़ी की है तो वो सऊद शकील की है। फिर हम मोहम्मद इब्रार को देखते हैं कि जो मिस्टीरियस बॉलर होने के बावजूद जो है ही वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर, वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया गया है। मैं सोच रहा था कि आमिर जमाल को ज़रूर भेजा जाएगा, मगर उनका नंबर भी नहीं लगा। और ज़मान खान ने जो किया वो आपने देखा, और अब आकिब जावेद साहब को ये पता चल चुका होगा कि ज़मान खान और नसीम शाह में क्या फ़र्क है। तो जनाब ज़का अशरफ साहब के पास तो शायद टाइम नहीं है मेरठ से मिलने का, तो मैंने सोचा कि मैं ही मेरठ से मिल लेता हूँ और उससे गुफ्तगू कर लेता हूँ। और चंद खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो राह हक में मारे गए, उनमें सबसे ऊपर ज़ैन अब्बास है कि जो रनों के ढेर लगाए जा रहा है और उम्र भी गुजर चुकी है, मगर आज तक उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। चलिए मेरठ से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरठ जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बड़े मज़े में हूँ। वो कैसे? जनाब फाइव स्टार होटल्स में रह रहा हूँ, बड़ी बड़ी डेलियाँ ले रहा हूँ और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फैसलाबाद रीजन का यार एक अहमद सफ़ीउल्लाह है जो एक एक इनिंग में 8-8 आउट करता है, उसको क्यों नहीं लिया जा रहा जी? उसके लिए फिर नवाज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जो एक ख़ास माफिया है वो मोहम्मद नवाज को बाहर रखने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तो रीजनल क्रिकेट बहाल हो गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो गई, तो जनाब मेरठ साहब अब आप कैसा महसूस करते हैं? जी मैं महसूस तो अच्छा करता हूँ, मगर बात यह है कि जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके पास पहले ही 11 खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं जो कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हैं, और वो ऐसे खिलाड़ियों को ले लेंगे जो टॉप परफॉर्मर होंगे, मगर वो उधर कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहेंगे और उनको खिलाया नहीं जाएगा, और वहीं के वहीं वो जी गल सड़ जाएंगे। वो कैसे जनाब? जब 11 कौमी खिलाड़ी हों तो फिर जो लड़के उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं वो
कभी भी उनका नंबर नहीं आया और कई दर्जनों खिलाड़ी हैं जो सुई गैस ने उठाए, फिर वो दिल बर्दाश्ता होकर सी टीम में चले गए, बी ग्रेड में चले गए ताकि क्रिकेट मिले, कुछ परफॉर्म करें, मगर सेलेक्टर्स तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखते ही नहीं और ना ही, तो फिर वो खिलाड़ी जहां मर्जी से खेलें तो फिर मैरिट जी आप बताएं कि तो फिर क्या फ़ायदा होगा। बात तो आप ठीक कहते हैं जी कि अब तो पाकिस्तान में जगह बनाने के लिए PSL को ही स्केल बना लिया गया है, मुझ पर PCB करोड़ों रुपये लगाता है, बल्कि करोड़ों से भी ज़्यादा लगाता है, क्यों लगाता है मुझे समझ नहीं आती। अगर मेरे से खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं करने तो फिर ये करोड़ों रुपए ज़ाया करने का जी फ़ायदा कोई नहीं, तो क्या मशवरा दोगे मिस्टर मेरठ जी? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि साल में एक टेप बॉल टूर्नामेंट करवा लें, क्योंकि हमारे 50% खिलाड़ी टेप बॉल से आते हैं, 50% खिलाड़ी जो हैं वो PSL से आते हैं, खाम खा के करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। मैं तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि जनाब छोड़ें मुझको ख़त्म करें और साल में एक टेनिस बॉल का और एक PSL करवाएं और टीम बनाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और PCB के करोड़ों रुपए बच जाएंगे और ख़जाना जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। यार मेरठ साहब, आपने यह तो बड़ी काम की बात की है, बात दिल को लगती है। तो मेरठ साहब, अब आप कुछ मुस्तकबिल में देख रहे हैं चांस के आप पर गौर किया जाएगा? जी नहीं, मैं ज़ाती तौर पर नहीं देख रहा कि मुझ पर ध्यान दिया जाएगा, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ लीग्स खेलते हैं और कौमी टीम के नायब कप्तान भी बन जाते हैं, एक लीग से फारिग होते हैं तो दूसरी लीग में चले जाते हैं, दूसरी लीग से फारिग होते हैं जी तो तीसरी लीग में चले जाते हैं, तो इसका हल क्या है भैया? तो इसका हल ये, अगर ज़का अशरफ साहब मेरठ की मान लें और तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिल फॉर ये हुक्म दें कि चलो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में जाओ और खेलो, और जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी नहीं खेलेगा वो पाकिस्तान भी नहीं खेल सकता, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी टीम नाकाबले तस्खीर हो जाएगी। सबसे कीमती बात की है मिस्टर मेरठ तुमने। तो जनाब, आपने मेरठ से गुफ्तगू सुनी और मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़का अशरफ साहब भी बजाय खिलाड़ियों के अगर मेरठ से मिल लें तो बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट बूस्ट होगी, और अगर मेरठ जो कि कायदे आज़म ट्रॉफी में खिलाड़ी दिखा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब को एक और मशवरा भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जितने भी हैं उन पर PSL के अलावा महज एक लीग खेलने की पाबंदी लगा दें, और उन सब से कहें कि जाएं फर्स्ट क्लास खेलें, और अगर जो खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट यानी कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है वो नहीं खेलेगा वो पाकिस्तानी टीम में भी जगह नहीं बना सकेगा। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको भी पसंद आएंगी, और मैं ये वीडियो ज़का अशरफ साहब को भी भेजूंगा और उनसे इल्तबास करूंगा कि इस बेचारे मेरठ के भी कुछ सुन लीजिए, ये बहुत सालों से रुल रहा है। सभी खिलाड़ी जाते जाते एक दफ़ा फिर कहूँगा कि वो आपको महज एक मशवरा देंगे, कप्तान हटा दो, कोच हटा दो, मैनेजर हटा दो, कोई भी एक खिलाड़ी कंस्ट्रक्टिव, कोई भी एक खिलाड़ी मुस्बत मशवरा नहीं देगा। इसी के साथ आफ्ताब अहमद तभी आपसे इजाज़त चाहता है, अल्लाह हाफ़िज़।